अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और मैं अभी चाय बना रहे हैं तो चाय गरम गरम पीती हूँ। बहुत नज़ला और मुझे बुखार है। साथ में मैं लाई हूँ अपने लिए थोड़ी सी, बनाती हूँ यखनी सूप बनाती हूँ, चिकन सूप बना लेती हूँ। ये मैंने साथ में सारा कुछ करके रखा हुआ है। अभी चाय बन ले, सर में बहुत दर्द है। वैसे वो भी कभी बना के बंदा रखे और सुबह इसके पराठे बनाए, बहुत मज़ेदार बनते। वो भी चिकन वाली, चिकन के रेशे रेशे बना के और पराठे बनाए, बहुत मज़ेदार बनते। तो जी हमने सूप चढ़ा दिया, मैंने चाय हमारी वो भी तैयार, तो वो हमने डाल लिए। साथ साथ हमारा होगा ये सालन भी। सालन में हम गोभी बनाएंगे। आजकल तो गोभी बहुत मज़ेदार होती है, काफ़ी दिन हो गए थे मुझे वैसे बनाए हुए। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक तो फिर जितना आप खाते हो, मैं तो वैसे भी बीपी की मरीज़ हूँ। काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी अभी डालेंगे फिर बाद में डालेंगे। ये अच्छी तरह यखनी इसकी निकल जाए। चल इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सीधे, उधर बाजरे की तरफ मत नहीं जाओ। ये अभी इतना टाइम हो गया तो उनको निकाल दिया। ये आज मैं थोड़ी सी गाजर भी डाल रही हूँ इसके अंदर। इसमें बहुत कुछ डलता है। गोभी भी मुझे डालनी थी पर ये बच्चे पसंद नहीं करते, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बंद गोभी डालो इसके अंदर। ठीक है इधर आ जाइए ना, कर ले क्या कहते हैं। तो जी हम इसके लिए वो बना लेंगे कॉर्नफ्लोर। यखनी हमारी होगी तैयार। इसमें थोड़ा सा सोया सॉस सरका भी डाल देंगे। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसकी गुठलियां नहीं बननी चाहिए। मुझे छन्नी देना, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ है। इसको छान के डाल लेते हैं वैसे भी। अभी हम काली मिर्ची थोड़ी सी और डाल रहे हैं। काली मिर्ची बहुत अच्छी होती है, वैसे भी मुझे नज़ला लगा हुआ है इसके लिए। इसको जल्दी जल्दी हिलाना है वैसे, इसको मुझे छान के, या तो फिर तू हिला इसके अंदर चमचा साथ साथ हिलाती रहना। बिस्मिल्लाह।
क्या? यकीन सूप हमारा, चिकन सूप हमारा हो गया तैयार। जरा अंडा भी नीचे से ले आ। मुर्गी ने अंडा दिया। चलिए अंडा है। और भी सूप जो है ये बहुत मजेदार हो गया, हमारे घर का अंडा तो ये मुझसे टूट भी नहीं रहा। ये देखिए देसी अंडा हो घर का, फिर ये अभी जाएगा सूप के अंदर। बिस्मिल्लाह हमारी जो है जबरदस्त तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। सोया सॉस सिरका हमने डाल दिया सब कुछ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारा जो ये है सूप, ये बहुत मज़ेदार बना है। और आज मैं तो ये पहले खा लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा सुकून मिले। ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सर्दियाँ हैं आप भी बना के खाएं, और बहुत मज़ेदार होता है, अच्छा होता है ये सर्दियों के लिए। और अभी हमें दें इजाज़त।